ढोसा की ऐसी दीवानगी देखने को मिली कहीं साउथ इंडिया साइड में नहीं बल्कि हमारे पटना के स्ट्रीट पर, जहां ये स्ट्रीट ढोसा मिलती है और बहुत ज़बरदस्त सेलिंग है। एकदम एक सेकंड का टाइम नहीं इनके पास कि ये थोड़ा आराम भी करें। एकदम कंटिन्यूस ढोसा बनते रहता है यहाँ पर और लोग घंटों खड़े होते हैं अपने ढोसे के इंतजार में। ऐसी दीवानगी देखने को मिली पटना की सड़कों पर तो हम भी ठहर गए और आपके लिए ये कंप्लीट मेकिंग लेकर आए हैं। पानी उनी छिड़क कर एकदम ढोसा के बैटर को एकदम ये लंबे चौड़े तवे पर बनाया जा रहा है। आप कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ज़बरदस्त दीवानगी है इनके ढोसे की। एकदम 12-1 बजे रात तक ज़बरदस्त भीड़ यहाँ इकट्ठी होती है, आप देख सकते हैं भीड़ का नज़ारा। एकदम लोग घंटों इंतजार रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त एकदम लगता है कोई भगदड़ मची है ऐसा भीड़। और बहुत ज़बरदस्त ढोसा मात्र 40 रुपये में और 25 रुपये में इडली। और ये कंटिन्यूस 1980 के करीब से सेम जगह ऐसे ही पटना की सड़कों पर ढोसा बना रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत डिमांड है इनके ढोसे की। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम भी खड़े हुए लेकिन इतना भीड़ कि मौका नहीं मिला, फिर कभी ट्राई करेंगे। बाकी हमने मेकिंग सारी कंप्लीट बना ली आपके लिए। आप देखें ढोसा के बैटर को थोड़ा एक साइड से पकाने के बाद उसके ऊपर से ऑयल गया और ढोसा को एकदम काट काट कर अलग कर लिया जा रहा है। एक बार में 4 ढोसा रेडी किया गया है। आप देखें सबको एकदम तवे से उठाया जा रहा है ताकि चिपके नहीं, जले नहीं और सबको अच्छे से चोखे से फिल किया जाएगा। ये रहा चोखा इनका। आपको अगर कंप्लीट वीडियो इनके मेकिंग का चाहिए, चोखा कैसे बनाते हैं, बैटर कैसे बनाते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वो भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। बाकी इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप देखिए ऊपर से प्याज भी चला गया और बस फोल्ड करके ढोसे को एकदम सर्व किया जाएगा और कंटिन्यूस ऐसे ही ये मेकिंग करते रहते हैं ढोसे की। आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइम नहीं इनके पास, एकदम एक लॉट गया नहीं कि दूसरा लॉट इधर रेडी होने लगा। पानी छिड़क कर एकदम तवे को साफ किया जा रहा है और उसके ऊपर से नया ढोसा रेडी किया जाएगा। बाकी इधर इनका बेटा एकदम लगा हुआ है सेल करने में। ढोसे के साथ सांभर और ये चटनी दी जाती है 40 रुपये प्लेट, 25 रुपये में इडली और ज़बरदस्त दीवानगी आप देख सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें अगर आप पटना में हैं। इनका जो लोकेशन है वो गांधी मैदान के सामने, आप अगर गांधी मैदान थाना से मोना सिनेमा की ओर बढ़ेंगे तो बस 100 मीटर की दूरी पर ही इनका ये कार्ड मिल जाएगा आपको। उद्योग भवन के पास जहाँ पर स्ट्रीट पे किताबें सेल होती हैं और साथ में इनका ढोसा सेल होता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।